नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स की किताब चल रही है, चैप्टर नंबर 9 है, पार्ट 2 है। शुरू कहाँ से करेंगे? स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट। इंडिया के एनवायरनमेंट की बात की जाए तो इंडिया में अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ये नेचुरल रिसोर्सेज सॉइल की क्वालिटी में भी रिच हैं। अगर आप इंडिया की बात करिए तो हंड्रेड्स ऑफ रिवर्स ऑफ ट्रिब्यूटरीज हैं इंडिया में, लश ग्रीन फॉरेस्ट हैं, मिनरल डिपॉजिट्स की कोई कमी नहीं है। आसपास इंडियन ओशन इतना बड़ा है तो आराम से हम बाहर की दुनिया के साथ कनेक्टेड हैं। फिर अगर आप बात करो तो हमारी माउंटेन रेंजेस भी हैं, मतलब हर प्रकार के ज्योग्राफिकल फीचर्स हमारे पास। डेक्कन प्लेट्यू की अगर ब्लैक सॉइल की बात की जाए तो कॉटन कल्टीवेशन में काफ़ी यूजफुल है। आप देखिए कि साउदर्न रीजन में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बहुत हैं। क्यों है? क्योंकि कॉटन उगाया जाता है इस डेक्कन प्लेट्यू में और फिर वो कॉटन एक इनपुट बन जाता है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए। अगर आप इंडो गैंगेटिक प्लेन्स की बात करो तो ये अरेबियन सी से लेके बे ऑफ बंगाल तक फैले हुए हैं और ये इंडो गैंगेटिक प्लेन्स बहुत फर्टाइल है। इंटेंसिवली इनको कैलकुलेट किया जाता है और ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं यहाँ पे वन ऑफ द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है। दुनिया की जो सबसे डेंस पॉपुलेशन वाली जगह है उनमें से एक है हमारे इंडो गैंगेटिक प्लेन्स। फिर इंडिया के फॉरेस्ट की बात की जाए तो भाई इंडिया में अच्छे खासे फॉरेस्ट हैं, थोड़े अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो अंडमान निकोबार में मिलेंगे, लक्षद्वीप में मिलेंगे, साउथ इंडिया के कुछ पॉकेट्स में मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। वेस्टर्न घाट्स के पास चले जाइए तो बहुत डेंस है, नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए तो बहुत डेंस है, यूपी बिहार वाले बेल्ट में काफ़ी काट दिए गए हैं तो थोड़े कम हैं। लेकिन ओवरऑल देखो तो हमारे फॉरेस्ट अच्छा खासा ग्रीन कवर दे देते हैं मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन के लिए, नेचुरल कवर देते हैं वाइल्ड लाइफ के लिए। ये अलग बात है कि अब ये काफ़ी कम हो रहे हैं, जो इनकी इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग है वो काफ़ी नुकसान पहुंचा रही है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिर हमारे देश में बात की जाए तो लार्ज डिपॉजिट्स हैं आयरन ओर के, कोल के, नेचुरल गैस के। इंडिया की अगर आप बात करो तो दुनिया भर का 8% आयरन ओर रिजर्व्स इंडिया के पास है। बॉक्साइट, कॉपर, क्रोमेट, डायमंड, गोल्ड, लेड, लिग्नाइट, मैग्नीशियम, मैंगनीज, जिंक, यूरेनियम, ये सब हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में मिलता है। लेकिन हमने देखिए क्या बोला, हाउएवर द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज इन इंडिया हैव रिजल्टेड इन प्रेशर ऑन द फाइनाइट नेचुरल रिसोर्सेज बिसाइड क्रिएटिंग इम्पैक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड वेलबींग। कहीं ना कहीं डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज को इतनी आज ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी गई है कि नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं, ह्यूमन हेल्थ पे और ह्यूमन वेलबींग पे फर्क पड़ रहा है। देखिए कितनी सही फोटो है, डिफॉरेस्टेशन, पेड़ थे काट दिए गए, ये क्या है? दिस इज लैंड डिग्रेडेशन, दिस इज बायोडाइवर्सिटी लॉस, दिस इज एयर पॉल्यूशन। ये पेड़ हवा को साफ करते, ये पेड़ पानी बरसात करवाते, ये पेड़ बहते हुए पानी को रोक के ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते, ये पेड़ बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करके रहते, यहाँ पे जो जानवर जीव जंतु रहते उनको शरण देते, लेकिन अब पेड़ नहीं है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, ये मैं हमेशा बताता हूँ, बताना जरूरी है, थोड़ी बहुत सेल्फ मार्केटिंग भी जरूरत है भाई। अब किसी और की मार्केटिंग नहीं करता हूँ तो क्या है, ऑफर तो मुझे भी लाखों रुपए के आए हैं कि भाई हमारी मार्केटिंग कर दो, लेकिन मैंने रिजेक्ट किए हैं, तो अपनी तो कर ही सकता हूँ। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को ज्वाइन कर लीजिए अगर आप हेल्प करना चाहो तो। एनसीईआरटी 6 से 12 की इकोनॉमिक हिस्ट्री साइंस ज्योग्राफी बहुत सी वीडियो बना रखी हैं, बहुत सी बना रहा हूँ, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए इस लेक्चर के नोटिफिकेशन के लिए, मेरे करंट अफेयर्स की पीडीएफ के लिए। आगे बात करते हैं इंडिया के एनवायरमेंट को जो थ्रेट है, हम यहाँ पे एक डायकोटमी है। डायकोटमी क्या है? एक थ्रेट है पॉवर्टी इंड्यूस्ड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, एक थ्रेट है पॉल्यूशन फ्रॉम एफ्लुएंस एंड रैपिडली ग्रोइंग इंडस्ट्रियल सेक्टर। पॉवर्टी इंड्यूस्ड, देखिए जो बहुत ज़्यादा हाई फाई तरीके से रह रहा है उसकी ज़रूरतें ज़्यादा हैं, ज़रूरत से ज़्यादा बिजली कंज्यूम कर रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा पानी वेस्ट कर रहा है, तो वो वेस्टेज कर रहा है तो कहीं ना कहीं एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है। जितनी उसकी ज़रूरत है उससे ज़्यादा वो परेशान यूज़ कर रहा है। जो हमारा रैपिडली ग्रोइंग इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो भी हमारे कोल्स और हमारे बाकी नेचुरल रिसोर्सेज को ख़राब करता है। पावर प्लांट्स में पानी बाहर से लिया जाता है, उनको गर्म करके छोड़ा जाता है तो थर्मल पॉल्यूशन होता है, तो इस प्रकार की चीज़ें हैं। लेकिन पॉवर्टी इंड्यूस्ड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन क्या है? पॉवर्टी इंड्यूस्ड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन ये है कि जब आदमी बहुत ज़्यादा गरीब होता है तो उसकी बेसिक सैनिटेशन नहीं रहता, जब बेसिक सैनिटेशन नहीं रहता तो वो बीमार पड़ता है, तो डिजीज बर्डन बढ़ता है। पहली चीज़, जब आदमी बहुत ज़्यादा गरीब होता है, ठीक है ना, जैसे कि आप अफ्रीका की बिल्कुल ही गरीब कंट्री में पहुंच जाइए तो वहाँ पे वो बहुत प्रिमिटिव तरीके से रहता है, और प्रिमिटिव तरीके से रहने के चलते आबादी बढ़ने के साथ साथ नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन बढ़ जाता है, तो ज़्यादा पेड़ काटने लगेगा, ठीक है ना भाई, ज़्यादा भेड़ बकरियाँ चलाने लगेगा, तो आप कह सकते हो लैंड डिग्रेडेशन होगा, ठीक है भाई। तो बहुत प्रकार की चीज़ें हैं और अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, बीमारी फैलाना, तो पॉवर्टी इंड्यूस्ड
आपका एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी है। स्लम्स में रहने वाले लोग इतने पास पास अनसैनिटाइज तरीके से रहते हैं, वही कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है, बीमारियां फैल रही हैं, तो यहाँ पे भी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो ही रहा है। फिर आगे बात करें तो एयर पॉल्यूशन, वाटर कंटेमिनेशन, सॉइल इरोजन, डिफॉरेस्टेशन, वाइल्ड लाइफ एक्सटेंशन, आज के डेट में एनवायरमेंटल कंसर्न्स ही कुछ बहुत बड़े हैं इंडिया में। प्रायोरिटी इश्यूज कौन कौन से आइडेंटिफाई किए गए? लैंड डिग्रेडेशन, बायोडाइवर्सिटी लॉस, एयर पॉल्यूशन विद स्पेशल रेफरेंस टू व्हीकुलर पॉल्यूशन इन अर्बन सिटीज, अर्बन इलाकों में जो गाड़ियाँ वगैरह चलती हैं, कार, स्कूटी, इनसे जो पॉल्यूशन निकलता है वो भी काफ़ी परेशान करता है। फ्रेश वाटर का मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये सब कहीं ना कहीं हमें परेशान करता है। लैंड की अगर बात की जाए भारत में, तो बहुत प्रकार के डिग्रेडेशन से ये लैंड गुजरता है, और ये जो डिग्रेडेशन है वो अनस्टेबल यूज और इनअप्रोप्रिएट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की वजह से होता है। वो इनअप्रोप्रिएट यूजेज और मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस क्या है खराब खराब, बहुत डिटेल में देखना चाहते हो, बार बार कह रहा हूँ, मेरी इन्वायरमेंटल इकोलॉजी की सीरीज देखो जाके। फिर बात करते हैं भाई चिपको मूवमेंट की और एपिको मूवमेंट की। ठीक है भाई, चिपको मूवमेंट के बारे में बात की जाए तो हिमालयाज में फॉरेस्ट को बचाने के लिए चिपको मूवमेंट हुआ था, कि भाई फॉरेस्ट को लोग आप कह सकते हैं हग करके खड़े हो गए थे, फॉरेस्ट से चिपक के खड़े हो गए थे, काटने वालों से बोला कि अगर फॉरेस्ट काटना है तो हमें भी काट दो। कर्नाटका में भी कुछ इस प्रकार का मूवमेंट चला, अलग ही नाम था इसका, थोड़ा थोड़ा सिमिलर नाम था, अपिको बोला गया, इसका ही मतलब होता मीन्स टू हग। 8 सितंबर 1983 में सलकानी नाम के फॉरेस्ट में सिरसी डिस्ट्रिक्ट में ट्रीज को फेलिंग को रोकने के लिए 160 मैन, वुमेन और बच्चे ट्रीज को हक करके खड़े हो गए और वुड कटर से बोला है काटना है तो हमें भी काट दो। ऑब्वियस सी बात है, वुड कटर्स वापस लौट गए। अगले 6 हफ्तों तक लोगों ने जंगलों का ध्यान रखा कि कोई आके जंगल ना काट के चले जाए। जब फॉरेस्ट ऑफिशियल्स ने इन लोगों को एश्योर किया कि भाई आपके जंगल नहीं काटे जाएंगे, तभी ये लोग जंगल से गए। इनफैक्ट फॉरेस्ट ऑफिशियल ने इस बात पर एश्योर किया कि जंगल आपके काटे जाएंगे अगर, तो बहुत साइंटिफिक तरीके से काटे जाएंगे, इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग ऑफ ट्रीज नहीं होगा, ये बात यहाँ पे बोली गई। ठीक है भाई, होता ये है कि जब कॉन्ट्रैक्टर्स को कॉमर्शियल फेलिंग का कोटा मिलता है तो वो साइंस या एनवायरमेंट या इकोसिस्टम सर्विसेज डिग्रेडेशन कुछ नहीं देखते हैं, वो सिर्फ पेड़ काटते चले जाते हैं। आज की डेट में तो मशीनें आ गई हैं, 5-5 मिनट में एक पेड़ कट जाता है, जिसके चलते हमारे देश में बहुत सारे नेचुरल फॉरेस्ट तबाह हुए हैं, आज के डेट में भी हो गए। हालांकि आज के डेट में तबाह होने की जो स्पीड है वो काफ़ी कम हो गई है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, सुप्रीम कोर्ट, ऐसे बहुत से मैकेनिज्म्स हैं जिसके थ्रू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को, पेड़ के कटने को रोका जा रहा है। ये जो आइडिया ऑफ हगिंग द ट्री था, इसने लोगों को होप दी, एक कॉन्फिडेंस दिया कि ये लोग अपने फॉरेस्ट को बचा सकते हैं। इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद आप देखो पेड़ कटने बंद हो गए, आप चाहे बात कर लो कर्नाटका की और आप चाहे बात कर लो हिमाचल प्रदेश की। तो इसीलिए यहाँ पे बाद में क्या हुआ कि बहुत सारे और डिस्ट्रिक्ट्स में, बहुत सारे और स्टेट्स में भी इस प्रकार के बहुत से मूवमेंट फैलने लगे। अगर आप बात करो तो बहुत लंबे समय से फ्यूल वुड के लिए और इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए पेड़ों को बिना मतलब, बिना सोचे समझे काटा जा रहा है, जिसके चलते बहुत सी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई हैं। जैसे कि उत्तर कन्नड़ एरिया के इलाके में, उत्तर कन्नड़ का जो इलाका है साउथ इंडिया में, वहाँ पे एक पेपर मिल लगाई गई। पेपर मिल लगाने के 12 साल के बाद सारे के सारे बैम्बू ट्रीज वहाँ से उड़ गए, बैम्बू ट्रीज बचे ही नहीं वहाँ पे, मतलब इस हद तक उन्होंने बैम्बू ट्री को काटा कि अब कुछ बचा ही नहीं। फिर आप देखो ब्रॉड लीव ट्रीज विच प्रोटेक्टेड द सॉयल फ्रॉम डायरेक्ट ऑनस्लॉट ऑफ रेन हैज बीन रिमूव्ड, द सॉयल वॉश्ड अवे एंड बेयर लेटराइट सॉयल लेफ्ट बिहाइंड, नाउ नथिंग ग्रोज बट अ वीड्स, एज अ फार्मर। फार्मर क्या बोल रहा है यहाँ का, उत्तर कन्नड़ का, कि भाई पहले यहाँ पे जो पेड़ थे उनकी पत्तियाँ चौड़ी थी, तो जब कस के पानी बरसता था तो ये जो पत्तियाँ थी वो सॉयल के ऊपर जो पानी का इम्पैक्ट था उसको कम कर देती थी, ओके, और सॉयल बहता भी नहीं था क्योंकि बैम्बू ट्रीज की जो जड़ें थी वो सॉयल को पकड़ के रखती थी। अब जब सारे के सारे पेड़ काटती है तो बंजर जमीन है, तो पहली बात तो जो फोर्स है, जिस फोर्स से रेन मारेगी सॉयल को, उसके अगेंस्ट सॉयल के पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है। दूसरी बात, सॉयल वॉश आउट हो जाएगा यहाँ से, जब वॉश आउट हो जाएगा इसको बोला जाएगा सॉयल इरोजन, और केवल लेटरेटिक सॉयल, बेयर लेटरेटिक सॉयल पीछे बचेगा जिसमें कुछ नहीं उगता, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये केवल एक उत्तर कन्नड़ की नहीं, देश के बहुत से इलाकों के हालात हैं। फार्मर्स ये भी कह रहे हैं कि अब रिवर्स रिवलेट्स जल्दी सूख जाते हैं, रेनफॉल ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत इरेटिक पैटर्न में आ गई है, पहले वो डिजीजेस जो इंसेक्ट्स कभी दिखते भी नहीं थे आज की डेट में वो क्रॉप्स पे अटैक करने लगे हैं, तो नए नए प्रकार के फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स,
केमिकल्स, इंसेक्टिसाइड्स डालने पड़ते हैं जो कि क्रॉप की क्वालिटी को और ख़राब कर देते हैं। फिर जो एपिको वॉलेंटियर्स हैं, ये चाहते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर्स एंड फॉरेस्ट ऑफिशल्स कुछ रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करें। ओके, तो एपिको वॉलेंटियर्स का क्या बोलना है कि जब भी आप कहीं पे पेड़ काट रहे हो तो पहले आप लोकल लोगों से कंसल्ट करो। ओके, फिर व्हेन ट्रीज आर मार्क्ड फॉर फेलिंग एंड ट्रीज विद इन 100 मीटर्स ऑफ अ वाटर सोर्स एंड अ स्लोप ऑफ 30 डिग्रीज और अबव शुड नॉट बी फेल्ड। एक वाटर सोर्स से 100 मीटर के अंदर में कोई पेड़ हो तो उसको मत काटो, क्योंकि उस वाटर सोर्स के भरे रहने के लिए वो पेड़ बहुत ज़रूरी है। इकोसिस्टम सर्विसेज में मैंने आपको समझाया है कि जो पेड़ होते हैं ये भाई कहीं ना कहीं पानी को रेस रेस के अपनी रूट्स के थ्रू ग्राउंड वाटर में पहुँचाते हैं, और ये ग्राउंड वाटर कहीं कहीं लेक्स के फॉर्म में, वाटर सोर्स के फॉर्म में ऊपर आता है। आप देखो, वाटर सोर्स के आसपास के अगर आप पेड़ों को काट दो, वाटर सोर्स को समय के बाद सूख जाएगा। दिस इज़ अ वेरी साइंटिफिक एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली वे कि आप पानी के आसपास के पेड़ों को मत काटो। जो स्लोप्स हैं उन पे जो पेड़ हैं, जिन पेड़ों मतलब जिन सतहों का 30 डिग्री से ज़्यादा की स्लोप है, वहाँ के पेड़ों को मत काटो, क्योंकि पानी जब तेज़ी से बहेगा तो उस पानी की स्पीड को पेड़ कम कर देते हैं। तो ये सब बात एपिको वॉलेंटियर्स ने बोली और कहीं ना कहीं पार्शली इनकी बात को माना भी गया। सरकार को अगर आप झुका दो कोई बात मानने को तो ये बड़ा अचीवमेंट होता है। ठीक है, फिर आगे देखा जाए। एक बहुत अच्छा सवाल यहाँ पर पूछा गया। पता है, पहले गवर्नमेंट कोटा देती थी फॉरेस्ट लैंड का, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स को बोला जाता था कि भाई अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर्स को बोला जाता था इतने स्क्वायर किलोमीटर का इलाका तुम्हारा, इतने स्क्वायर किलोमीटर का इलाका तुम्हारा, और ये कॉन्ट्रैक्टर्स जाके उस फॉरेन लैंड में से लकड़ी काट के लाते थे, टिम्बर काट के लाते थे। अब मान लो एक पेपर मिल है या वुड मिल है, उसमें आप लकड़ी काट के लेके जा रहे हो। मान लो एक पेपर मिल 10,000 वर्कर्स को नौकरी देती है, एक प्लाईवुड फैक्ट्री 800 लोगों को नौकरी देती है, तो एक आर्ग्यूमेंट ये भी बनता है कि अगर आप ये वुड कटिंग बंद कर दोगे तो इन 10,000 लोगों और 800 लोगों की नौकरियां चली जाएंगी। बट क्या 10,000 लोगों और 800 लोगों की नौकरियों के लिए आप इन्वायरमेंट तबाह कर सकते हो? आप हमारे इन्वायरमेंट के इतने इंपॉर्टेंट हिस्से, ट्रीज को तबाह कर सकते हो, इकोसिस्टम सर्विसेज तबाह कर सकते हो, मिलियंस ऑफ लोगों की लाइफ अफेक्ट होंगी इन सब चीज़ों से? तो कभी भी 10,000 लोगों या 800 लोगों के हित के लिए आप मिलियंस के हित को नुकसान नहीं कर सकते। और बेसिकली यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा फायदा होता है तो वो तो बड़े बड़े जो ओनर्स होते हैं फैक्ट्रीज को, उनको ही होता है। फिर बात करते हैं भाई फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन। तो भाई अगर वेजिटेशन का लॉस हो गया तो लैंड डिग्रेडेशन होगा, ऑब्वियस सी बात है। वेजिटेशन का लॉस होगा तो कोई भी प्लांट प्रेजेंट नहीं होगा सॉयल को पकड़ने के लिए, सॉयल इरोजन होने लगेगा, लैंड डिग्रेडेशन होने लगेगा। फिर अनसस्टेनेबल फ्यूल एंड फॉडर एक्सट्रैक्शन, एक लिमिट से ज़्यादा अगर आप पेड़ों को काटोगे, ज़मीन को बंजर रखोगे, उस पर कुछ भी नहीं उगाओगे, जो कुछ भी नेचुरली उग रहा है उसको काट दोगे अनसस्टेनेबल तरीके से, तो भाई लैंड डिग्रेडेशन होगा। शिफ्टिंग कल्टिवेशन बता चुका हूँ, दोबारा यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा। शिफ्टिंग कल्टिवेशन मतलब कि कुछ लोग किसी एक प्लॉट ऑफ लैंड पे गए, वहाँ पे जो भी पेड़ थे उनको काट के जला दिया, जलाने के बाद जो भी ऐश में ज़मीन बना उसमें हमने पौधे लगाए, कुछ सालों तक वहाँ पे एग्रीकल्चर किया, फिर वो ज़मीन फर्टाइल होनी बंद हो गई, वहाँ पे पैदावार होनी कम कर दी, तो उस ज़मीन को खाली छोड़ दिया और किसी और जगह चले गए, वो ज़मीन नेचुरली अपने आप को रिक्यूपरेट कर लेगी। इस प्रकार की जो शिफ्टिंग कल्टिवेशन की प्रैक्टिस थी ये बहुत सक्सेसफुल थी और बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती थी ऐसे समय में जब ज़मीन की कोई कमी नहीं थी, लोग कम थे ज़मीन ज़्यादा थी। आज की डेट में भी इसको प्रैक्टिस किया जाता है, बट प्रॉब्लम है आज की डेट में लोग ज़्यादा हो गए हैं और ज़मीन कम हो गई है, ज़्यादातर सरकारें ज़मीन को रेगुलेट करती हैं, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर पाना, इम्प्लीमेंट तो क्या बोलो, यूज़ कर पाना, उसको कर पाना, इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर पाना बहुत मुश्किल हो गया। फिर ये फॉरेस्ट लैंड में इंक्रोचमेंट, तो फॉरेस्ट बने आप काट के वहाँ पे एग्रीकल्चर कर रहे हो, कोई बिल्डिंग बना रहे हो, इससे लैंड डिग्रेडेशन होगा। फॉरेस्ट फायर से भी लैंड डिग्रेडेशन होता है, वैसे तो फॉरेस्ट फायर नेचुरली भी लगती हैं, लेकिन आजकल की डेट में ह्यूमिडिटी बढ़ने की वजह से, ग्रीन हाउस गैसेस के बढ़ने की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने की वजह से फॉरेस्ट फायर्स के जो इंसिडेंसेस हैं वो बढ़ गए हैं। ओवर ग्रेजिंग, तो भाई ग्रास पे अगर आप ग्रेजिंग करते हो, मैंने एनसीईआरटी पढ़ा है, भेड़ बकरियाँ ग्रेजिंग करती हैं, तो ऐसा नहीं कि लगातार ग्रेजिंग करती रहेंगी तो वहाँ घास उगती रहेगी, घासों को दोबारा उगने के लिए भी समय चाहिए होता है। ठीक है, ओवर ग्रेजिंग में फिर घास उगना बंद हो जाएगी, लैंड डिग्रेडेशन होगा। एडिक्वेट सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स को नहीं अडॉप्ट करेंगे तो भी लैंड डिग्रेडेशन होगा। इम्प्रॉपर क्रॉप रोटेशन, आपने लेग्यूमिनस प्लांट्स का नाम सुना होगा, लेग्यूमिनस प्लांट्स ऑटोमेटिकली नाइट्रोजन को फिक्स करके सॉइल में नाइट्रोजन की कमी को दूर कर देते हैं, तो एक नॉन लेग्यूमिनस प्लांट के बाद अगर एक लेग्यूमिनस प्लांट उगाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं पता है तो ये वीडियो मैंने बना रखी है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, अपटेक एंड मिनरलाइजेशन इन नाइट्रोजन साइकिल,
बेसिक्स ऑफ नाइट्रोजन साइकिल, आप इस वीडियो को देख लीजिए जाके, आपको चीज़ें काफ़ी यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। मैं आपको यहाँ पे हॉलिस्टिकली पढ़ने के सोर्सेज बता रहा हूँ, ओके। शॉर्टकट मत पकड़िए अपनी पढ़ाई में। देखिए, अगर आप सिर्फ 11th क्लास के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं तो चलिए एक बार को चलता है, आप चीज़ें इग्नोर कर सकते हो। बट आप किसी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हो तो आपको सारे कंसेप्ट समझने पड़ेंगे। एनसीईआरटीज को पता है, ज़्यादातर टीचर्स और सोर्सेज इनअप्रोप्रिएट क्यों बताते हैं, क्योंकि यहाँ पे चीज़ों को ठीक से समझाया नहीं गया है। अभी इम्प्रॉपर क्रॉप रोटेशन यहाँ ठीक से समझाया नहीं हुआ, सिर्फ इम्प्रॉपर क्रॉप रोटेशन लिख देने से ही तो ना समझ में आएगा इसका मतलब क्या है। इसका मतलब देखने के लिए आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन देखना पड़ेगा। एक क्रॉप को लगाने के बाद आप दूसरी ऐसी क्रॉप लगाओ, पहली क्रॉप ने जो न्यूट्रिएंट्स खींचे थे सॉइल से, दूसरी क्रॉप उन न्यूट्रिएंट्स को कंपनसेट कर दे। तो इसको बोला जाता है साइंटिफिक क्रॉप रोटेशन। तो इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन वाली वीडियो देख लेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएगी। फिर भाई, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का एक लिमिट से ज़्यादा अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो वो भी सॉइल को बर्बाद करेगा। वो तो ऑब्वियसली करेगा, चूंकि उसमें केमिकल्स हैं और केमिकल एक नेचुरल पदार्थ तो है नहीं, ऊपर से केमिकल्स इनऑर्गेनिक होते हैं, जल्दी टूटते भी नहीं है। सीप कर करके, लीच कर करके ग्राउंड वाटर में पहुंच गया तो उसका पोल्यूशन कर देंगे अलग। फिर इरिगेशन सिस्टम को हमारे यहाँ पर ठीक तरीके से प्लान नहीं किया गया, तो पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स सोच रहे हैं कि ग्राउंड वाटर कभी ख़त्म ही नहीं होगा, तो ट्यूबवेल से पानी खींचे जा रहे हैं। जिस दिन ग्राउंड वाटर ख़त्म हो गया, सबके दिमाग ठीक हो जाने हैं। ओके, यही बातें यहाँ पर लिखी हुई है। एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर इन द कम्पीटिंग यूजेज ऑफ लैंड फॉर फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, पास्चर्स, ह्यूमन सेटलमेंट्स इन इंडस्ट्रीज। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे लैंड रिसोर्सेज पे इफेक्ट डालती हैं और हमारे लैंड का डिग्रेडेशन करती हैं। हमारे देश में अगर पर कैपिटा फॉरेस्ट लैंड की बात की जाए तो एक पर्सन के लिए 0.06 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट लैंड है, जबकि एक पर्सन की बेसिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ग्लोबल नॉर्म क्या है, 0.47 हेक्टेयर फॉरेस्ट पर पर्सन होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ पे केवल 0.06 है, उसका भी 1/8, यानी उसका भी लगभग 12.5%। इसके चलते आप देखो कि हमारे यहाँ पे हर साल 15 मिलियन क्यूबिक मीटर फॉरेस्ट ज़्यादा काटे जाते हैं। जितने फॉरेस्ट की काटने की लिमिट है उससे 15 मिलियन क्यूबिक मीटर ज़्यादा फॉरेस्ट काटे जाते हैं। इस तरीके से आप फॉरेस्ट काटते जाओगे तो कभी ना कभी हमारे फॉरेस्ट कम हो जाएंगे। और सुनिए, हमारी सरकार बोलती है इतने पौधे लगा दिए, इतने सैपलिंग्स लगा दिए। एक पेड़ काट के अगर आप एक पौधा लगा रहे हो ना, आप इनफ नहीं कर रहे हो। एक पेड़ को बड़ा बनने में 30 से 40 साल लग जाते हैं। एक पेड़ को 40 सैपलिंग्स भी कंपनसेट नहीं कर सकती हैं। एक पेड़ को बनने में 22 सालों लगते हैं, और ये बात हमारी जुडिशरी ने भी कहीं ना कहीं अपने एक डिसीजन में बोली है। आगे बात करें, अगर सॉयल इरोजन के एस्टिमेट्स देखे जाए तो हमारे यहाँ पे सॉयल, हमारे देश में सॉयल इरोड हो रहा है एट द रेट ऑफ 5.3 बिलियन टन्स अ ईयर। उसके बाद आगे आप बात करो तो ओपन एक्सेस रिसोर्स, भाई कोई भी आके रिसोर्स को ओपन तरीके से एक्सप्लॉयट करता है, सरकार का प्रॉपर रेगुलेशन है नहीं। और एग्रीकल्चर डिपेंडेंट जो पीपल है वो कहीं ना कहीं पॉवर्टी में फंसे हुए हैं, गरीब हैं, तो ऑब्वियसली बात है जब वो एग्रीकल्चर में पूरी तरीके से डिपेंडेंट है तो लैंड रिसोर्सेज को तो बर्बाद करेंगे ही करेंगे। आगे बात की जाए तो इंडिया दुनिया की 17% ह्यूमन आबादी को रखता है, 20% लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन को रखता है, लेकिन इंडिया के पास केवल ज्योग्राफिकल एरिया 2.5% है। तो हमारे यहाँ पे डेंसिटी बहुत ज्यादा है पॉपुलेशन की भी, लाइफ स्टॉक की भी। अब इससे क्या होता है, इससे होता यह है कि इन लाइफ स्टॉक्स की और इन ह्यूमंस की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हर साल हम बहुत सारा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे देखो तो एक साल में इतनी बड़ी लाइफ स्टॉक और ह्यूमन पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए 0.8 मिलियन टन्स नाइट्रोजन इस्तेमाल हो जाता है, 1.8 मिलियन टन्स फॉस्फोरस इस्तेमाल हो जाता है, 26.3 मिलियन टन्स पोटेशियम इस्तेमाल हो जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से द क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स लॉस्ट ड्यू टू इरोजन ईच ईयर रेंजेस फ्रॉम 5.8 to 8.4 मिलियन टन्स। इरोजन के चलते हर साल टोटल 5.8 से 8.4 मिलियन टन्स का नुकसान होता है। तो ये बड़े नंबर्स हैं, ये छोटे नंबर्स नहीं है। अब हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ पे पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जा रहा है। तो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स बनाए गए। क्या करते हैं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स? देखिए, अभी हमारे यहाँ पे दो मेजर जो एनवायरमेंटल कंसर्न है, एक है वाटर पॉल्यूशन, एक है एयर पॉल्यूशन। इसको टैकल करने के लिए सरकार ने बनाया सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड 1974 में। इसके बाद स्टेट्स ने भी अपने स्टेट लेवल के बोर्ड्स बना दिए एनवायरमेंटल कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए। ये बोर्ड इन्वेस्टिगेट करते हैं, कलेक्ट करते हैं, डिसेमिनेट करते हैं इन्फॉर्मेशन विद रिगार्ड टू वाटर, एयर और लैंड पॉल्यूशन। स्टैंडर्ड सेटअप करते हैं सीवेज ट्रेड एफ्लुएंट के, एमिशंस के,
ठीक है। ये जो बोर्ड्स हैं वो टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं अलग अलग सरकारों को, ताकि स्ट्रीम्स को साफ रखा जा सके, कुओं को साफ रखा जा सके, वाटर पॉल्यूशन को रोका जा सके, एयर की क्वालिटी को बढ़ाया जा सके, एयर पॉल्यूशन को प्रिवेंट, कंट्रोल और कम किया जा सके। ये जो बोर्ड्स हैं ये इन्वेस्टिगेट खुद भी करते हैं, स्पॉन्सर भी करते हैं इन्वेस्टिगेशन को, रिसर्च को, किसमें, वाटर की और एयर प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए, इनको प्रिवेंट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, एबेट करने के लिए। फिर मास मीडिया के थ्रू ये लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव अवेयरनेस प्रोग्राम पहुंचाते हैं, पहुंचाते हैं लोगों के अंदर। वो लोगों को बताते हैं कि भाई वाटर पॉल्यूशन मत करो, एयर पॉल्यूशन मत करो। फिर जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है ये मैनुअल्स तैयार करते हैं, कोड्स तैयार करते हैं, गाइडलाइंस तैयार करते हैं, ताकि सीवेज और ट्रेड एफ्लुएंट्स जो गंदगी निकलती है हमारी इंडस्ट्रीज की, उसको कैसे ट्रीट किया जाए, उसको कैसे डिस्पोज किया जाए, ठीक है भाई। एयर क्वालिटी को एसेस करते हैं थ्रू रेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। ये जो स्टेट बोर्ड्स हैं ये अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिशियल्स के थ्रू पीरियडिकली इंस्पेक्ट करते हैं हर इंडस्ट्री को जो कि इनके ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आती है, कि हर इंडस्ट्री ने प्रॉपर मेजर्स लिए हैं क्या एफ्लुएंट और गैसियस एमिशंस में कम से कम गंदगी रखने के लिए। तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पॉल्यूशन में रेगुलेटरी एजेंसीज की तरह है। किसी भी प्रकार से, चाहे कोई इंडस्ट्री हो, चाहे कोई सरकारी संस्था हो, चाहे कोई घर हो, अगर वहां से कोई ऐसा एमिशन है जो कि हमारी जमीन को, पानी को गंदा कर सकता है, तो उसको रेगुलेट करेंगे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। स्टेट में स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड प्रोएक्टिवली काम करेगा और उसको ऊपर से इंस्ट्रक्शन देगा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कलेक्ट करते हैं डिसेमिनेट करते हैं टेक्निकल और स्टैटिस्टिकल डाटा विद रिस्पेक्ट टू वाटर पॉल्यूशन। ये क्वालिटी ऑफ वाटर को मॉनिटर करते हैं 125 नदियों में, उनके ट्रिब्यूटरीज में, वेल्स में, लेक्स में, क्रीक्स में, पॉन्ड्स में, टैंक्स में, ड्रेन्स में, कैनाल्स में। काफ़ी बड़ा काम है। इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में एयर पॉल्यूशन अच्छा खासा फैला है अर्बन इलाकों में, और अर्बन इलाकों में एयर पॉल्यूशन की एक बड़ी वजह है व्हीकल्स। व्हीकल्स बहुत पॉल्यूशन करते हैं, और व्हीकल्स के अलावा जो बड़े इलाके हैं, तो जो इंडस्ट्रियल इलाके हैं, जो थर्मल पावर प्लांट जहाँ चलते हैं, वहाँ पर भी पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। वहकुलर एमिशंस आज के डेट में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि व्हीकल्स एक जगह से दूसरी जगह चलते रहते हैं, साथ साथ धुआं छोड़ते रहते हैं, और इनका बहुत इंपैक्ट रहता है जनरल पॉपुलेशन में। जो इंडस्ट्रीज हैं वो तो वहीं इंपैक्ट करती हैं जहां वो बनी हुई है, बट व्हीकल्स तो यूबिक्यूटस है, हर जगह प्रेजेंट है व्हीकल्स। और व्हीकल्स में स्टैटिस्टिक्स देखा जाए तो 1951 में 3 लाख मोटर व्हीकल्स थे, और भैया 2016 तक 13 करोड़ मोटर व्हीकल्स आ चुके हैं। 2016 में जो पर्सनल ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं वो टोटल व्हीकल्स का 85% है। तो अगर 100 व्हीकल्स हैं टोटल, तो ओवरऑल 85 व्हीकल्स तो टू व्हीलर व्हीकल्स और वो कारें होंगी जो इंडिविजुअल्स ओन करते हैं, जिसके चलते आप देखिए कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। और बात किया जाए तो इंडिया वन ऑफ द 10 मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज नेशंस हैं वर्ल्ड की। इंडस्ट्रियलाइज नेशन होने के इंडिया को फायदे भी मिले हैं इकोनॉमिक, बट नुकसान भी बहुत मिले हैं। बहुत सारे अनवांटेड और अनएंटिसिपेटेड कॉन्सिक्वेंसेस हमारे सामने खड़े हुए हैं। हमने बहुत अनप्लान तरीके से अर्बनाइजेशन किया है। जब अनप्लान तरीके से अर्बनाइजेशन किया तो प्रॉपर ड्रेनेज का ध्यान नहीं रखा, तो चेन्नई जैसी जगह पर अगर पानी ज़्यादा बरस जाए तो वहाँ बाढ़ आ जाती है, हैदराबाद में बाढ़ आ जाती है। पॉल्यूशन का डर तो है ही, एक्सीडेंट्स अक्सर कर होते रहते हैं। फिर आगे बोला जाए, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इट हैज़ आइडेंटिफाइड 17 कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्रीज लार्ज एंड मीडियम स्केल सिग्निफिकेंटली पॉल्यूटिंग। सेंट्रल बोर्ड ऑफ ये CPCB ने, सेंट्रल बोर्ड पॉल्यूशन बोर्ड ने, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने आइडेंटिफाई किया 17 कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्रीज जो कि बहुत ज्यादा पॉल्यूशन कॉज करती हैं। अब ये सिग्निफिकेंटली पॉल्यूटिंग कौन सी इंडस्ट्रीज होंगी, इनको ज्यादा गैस करना मुश्किल नहीं है। अभी पेपर मिल हो गई, केमिकल्स और फर्टिलाइजर बनाने वाली फैक्ट्रीज हो गई, थर्मल पावर प्लांट्स हो गए, ये बहुत मैसिव स्केल पे पॉपुलेशन को फैलाते हैं, पॉल्यूशन को फैलाते हैं सॉरी। फिर आगे बात करते हैं कि इन सब चीज़ों से इंडिया के सामने इन्वायरमेंट के फील्ड में जो चैलेंजेस वो तो हमको नज़र आ रहे हैं। अलग अलग मेजर्स भी अडॉप्ट किए गए, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के द्वारा मेजर्स अडॉप्ट किए गए, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा अडॉप्ट किए गए, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा अडॉप्ट किए गए, लेकिन इनका फ़ायदा तब तक नहीं होगा जब तक हम एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पाथ पर नहीं चलेंगे। और जब बात होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पाथ की, तब हमें अपने फ्यूचर जनरेशंस पे ध्यान करना पड़ेगा। जब तक हम अपनी फ्यूचर जनरेशन के बारे में सोचेंगे नहीं, जब तक हमारे दिमाग में कंसर्न नहीं आएगा कि हमारे आगे आने वाली जो जनरेशन है, जो हमारे बच्चे हैं, वो कैसे जिएंगे, तब तक हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पाथ पे चल नहीं सकते। अभी के लिए जो डेवलपमेंट है वो हमारी करंट लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ है, और हमारी करंट लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रावेगेंट और लग्जूरियस हो गई है। तो अगर हम उसमें कटौती नहीं करेंगे,
तो हमारे रिसोर्सेज डिप्लीट होते जाएंगे, हमारा इन्वायरमेंट गंदा होता जाएगा और हमारे बच्चे बिल्कुल ही जहरीली हवा में जन्म लेंगे। इन्वायरमेंटल फॉर इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमिक तो नहीं बट इन्वायरमेंटल क्राइसिस इज इन द मेकिंग, इसको सही समय पर रोकना हमारी जिम्मेदारी है। यहाँ पे मैं नंबर टू वीडियो खत्म कर रहा हूँ, नंबर थ्री वीडियो में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय। वीडियो को लाइक जरूर कर देना।